जाजपुर से चौमू इलाके में कार्यरत महिला शिक्षिका को पति का फर्जी वृत्ति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी करने के आरोप में पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शिक्षिका अब तक 3 शादियां कर चुकी है। पति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर अध्यापिका बनी महिला मंजू देवी निवासी तौगड़ा खुर्द को पुलिस ने शनिवार शाम गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अध्यापिका वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डहर की ढाणी इटावा तहसील चौमू में तृतीय श्रेणी के पद पर कार्यरत है। थानाधिकारी संजय वर्मा ने बताया कि महेश कुमार निवासी तौगड़ा खुर्द ने दर्ज मामले में बताया कि उसकी शादी 3 जून 2011 को मंजू से हुई थी। इससे पहले मंजू का 24 अगस्त 2000 को कुमास तहसील लक्ष्मणगढ़ निवासी बाबूलाल से विवाह हुआ था, जिसे तलाक देने के बाद ही उसने परिवादी से विवाह किया था। सबसे पहले मंजू का विवाह जून 1996 में राम निवास उर्फ निवास राम निवासी लाछीबो की ढाणी तन गुड़ा गोड़जी से हुआ था, लेकिन उसने स्वयं को नाबालिग दर्शाते हुए 12 मार्च 2000 को सहमति से अपना विवाह खंडित करवा लिया था, जिस पर रामनिवास ने सरोज देवी नाम की महिला से 6 अगस्त 2001 को दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन रामनिवास की 11 दिसंबर 2001 को मृत्यु हो गई, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र 20 दिसंबर 2001 को जारी हुआ। आरोपी मंजू ने खुद को मृतक रामनिवास की पत्नी जाहिर करते हुए 15 फरवरी 2000 को उसकी मृत्यु होना बताकर 17 नवंबर 2005 को उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया, जबकि 15 फरवरी 2000 को रामनिवास जीवित था। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मंजू ने विधवा कोटे में सरकारी अध्यापिका की नौकरी हासिल कर ली। चौमू इलाके में यह घटना लोगों में खासी चर्चित हो रही है।